इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। प्रदेश की सभी सीटों पर 10 अप्रैल को वोटिंग होनी है। यही वजह है कि बड़ी बहस के मंच पर इंडिया न्यूज हरियाणा हमारे प्रदेश से जुड़े सभी बुनियादी और संजीदा मुद्दों को लगातार उठा रहा है। आज की बड़ी बहस में प्रदेश के खाप स्ट्रक्चर पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर खाप पंचायतें चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं। खाप से जुड़े तमाम सवालों और मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले खापों से जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश में खापों का रोल सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि पंचायतों की भूमिका पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। खासकर कुछ विवादास्पद कारणों के चलते ये सवाल उठाए जाते रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में खाप पंचायतें सीधे तौर पर कभी नहीं जुड़ती, लेकिन इन पंचायतों की तरफ से वोटों का ध्रुवीकरण सबसे ज्यादा होता रहा है। इन दिनों प्रदेश में जाट समुदाय की खाप सबसे ज्यादा चर्चा में है। कांग्रेस सरकार ने जाट समुदाय को आरक्षण दिया है। यही वजह है कि खाप पंचायतों की एक लॉबी कांग्रेस के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख खाप पंचायतों का असर कितना है। एक नजर डालते हैं जाटों की मुख्य खापों पर। सोनीपत जींद इलाके में गठवाल मलिक खाप का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। उधर सोनीपत में दहिया खाप, रोहतक में हुडा खाप, झज्जर में दलाल खाप, महम में महम चौबीसी खाप, जींद में कंडेला और बिनैन खाप, झज्जर भिवानी में धनखड़ खाप और भिवानी में सांगवान श्योरण खाप अच्छी खासी चर्चा में रहते हैं। और भिवानी में सांगवान श्योरण खाप का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। जाट समुदाय की खापों का असर जाटलैंड की राजनीति का गढ़ रहे भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिलों में सबसे ज्यादा रहता है। इस सब के अलावा बाकी जातियों की खापें भी काफी मायने रखते हैं। जरा एक नजर डालिए राजपूतों की मुख्य खापों पर। महेंद्रगढ़ गुड़गांव इलाके की चौहान खाप, करनाल कुरुक्षेत्र इलाके की मढ़ार खाप, भिवानी रोहतक की परमार खाप, हिसार भिवानी की तंवर जाटू, हिसार की सतरोल तंवर, फरीदाबाद की छोकर और फरीदाबाद की ही पाल खाप का भी अच्छा खासा असर देखा जाता है। इस सब के अलावा गुर्जर समुदाय की खापों का हुक्का भी राजनीति का धुआं छोड़ता रहा है। एक नजर गुर्जर समुदाय की खापों पर भी डालिए। फरीदाबाद में भड़ाना खाप, फरीदाबाद में ही अधीना खाप, फरीदाबाद पानीपत के इलाके में चंदीला खाप और फरीदाबाद पानीपत के इलाके में ही छोकर खाप की भी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। प्रदेश में ब्राह्मणों की खापों की चर्चा भी अक्सर होती रही है। ब्राह्मणों में भरद्वाज, कौशिक, वशिष्ठ और वत्स जैसी खापों का बोलबाला सबसे ज्यादा है। इस सब के अलावा अहिरवाल में यादवों की खापों का असर ज्यादा रहता है। उधर बैकवर्ड समाज की खापें भी समाज के लिए काम करती रही हैं। ऐसे में बड़ी बहस में आज हम जानेंगे कि मौजूदा चुनाव में खाप पंचायतों की भूमिका क्या होगी और खाप पंचायतों के फैसले चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर साबित होते हैं। बड़ी बहस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो इन चुनावों में खापों की भूमिका क्या है, आज हम इस पर बड़ी बहस करने जा रहे हैं कि खाप कितना बड़ा दबाव फैक्टर साबित होते हैं और क्या सियासत को मोड़ देने में भी इनकी कोई भूमिका होती है। किन सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे बड़ी बहस के खास पैनल के साथ, जरा उन पर नजर डालिए। सवाल नंबर एक जो आज हम बड़ी बहस में उठा रहे हैं वो ये कि खाप पंचायतें चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर होंगी या नहीं होंगी,
क्या ऐसी स्थिति बनेगी कि एकजुट होकर खाप कोई फैसला करे। सवाल नंबर दो, खाप पंचायतों की हमारे प्रदेश की राजनीति में भूमिका क्या है। हम देखते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर खाप पंचायतें चर्चा में रहती हैं, लेकिन क्या राजनीति में कोई ठोस भूमिका अभी तक हमारे प्रदेश की खापें तलाश पाई हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर तीन, क्या खापों को मुद्दों के आधार पर किसी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। क्या यह मुमकिन है हमारे प्रदेश में कि अलग अलग खापें एक मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार पर कोई दबाव बनाए, यानी मुद्दा बड़ा हो और वो मुद्दा तमाम खापों को एकजुट करे और उसी एकजुटता के साथ सरकार पर दबाव बनाया जाए। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुद्दों के आधार पर खापों को किसी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। सवाल नंबर चार, क्या खापों की एकजुटता सबसे बड़ा दबाव समूह है। अगर खापें किसी रचनात्मक काम को लेकर, किसी सकारात्मक मुद्दे को लेकर एक होते हैं, तो क्या प्रदेश की राजनीति पर एक बड़ा दबाव इससे बनता है। और सवाल नंबर पांच जो हम उठा रहे हैं वो है, क्या खापें चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का दम रखते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या हमारी खापें इतनी ताकतवर हैं, क्या हमारी खापें इतनी सक्षम हैं कि वो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर दें। और खापों से जुड़े इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह खास पैनल हमारे साथ बड़ी बहस में है। हम परिचय आपका करा दें, दहिया खाप के प्रधान सुरेंद्र दहिया जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे साथ हरिराम दीक्षित जी हैं, आप अध्यक्ष हैं हरियाणा ब्राह्मण संघर्ष समिति के। हमारे साथ पाल सिंह जी हैं, आप प्रधान महासचिव हैं जनसंघर्ष मंच हरियाणा के। हमारे साथ दलित ए महापंचायत हरियाणा के अध्यक्ष देवीदास वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मलिक भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र दहिया, हम चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। हमने पहला सवाल अपनी बड़ी बहस में उठाया है कि खाप पंचायतें चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर साबित होती हैं, आपका तजुर्बा क्या बताता है। दहिया, खाप के आप प्रधान हैं, क्या मौजूदा दौर की राजनीति में खापें एक बड़ा फैक्टर है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।